नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे फिल्डर फोन में। आज दोस्तों इस वीडियो ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी दोस्तों को काफ़ी डाउट होते हैं कि जा रहे नेट एग्जाम, पीएचडी, नौकरी, सब डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पूरा नेट साइकिल कंप्लीट करेंगे कि नेट पर जा रहे होता है, जा रहे पर नौकरी मिलती है, फिर पीएचडी कैसे करनी है। तो ये पूरा साइकिल चलेगा, नेट से लेकर पूरा पीएचडी तक का जो भी आपका साइकिल है, लाइफ टाइम स्टोरी रहेगी, पूरा हम आपको आज यहाँ पर कंप्लीट बताने वाले। कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। पूरा वीडियो एंड तक देखना। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब, और जिन्होंने अभी तक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों आप हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको नेट की सारी अपडेट मिल जाएगी, मॉक टेस्ट हो या सारी बोर्ड एवर जो भी चीज़ें वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले आपके मन में एक डाउट आता होगा कि हम नेट एग्जाम करें तो क्यों करें, वाई वी नीड नेट एग्जाम, नेट एग्जाम होता क्या है, ये डाउट आपके मन में आते हैं। दोस्तों देखिए, जब एक स्टूडेंट मास्टर कंप्लीट करता है तो उसके माइंड में काफ़ी चीज़ें आती है कि यार मैं क्या करूँ। दोस्तों वहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है नेट एग्जाम। नेट एग्जाम है क्या दोस्तों, देखिए मैं आपको बताता हूँ। नेट एग्जाम एक ऐसी एग्जाम होती है जो पूरे सेंट्रल लेवल पे होती है, पूरे इंडिया में एक जगह एक टाइम पे एग्जाम होती है। यहाँ पर दोस्तों दो पेपर होते हैं, मोस्टली दो पेपर होते हैं। एक फर्स्ट पेपर जो कॉमन होता है ऑल इंडिया का, जो सबका कॉमन होगा, एंड अनदर पेपर इज सेकंड पेपर जो आपका कोर सब्जेक्ट का होता है। मान के चलिए अगर मैं कंप्यूटर साइंस का हूँ तो मेरा पेपर कंप्यूटर साइंस का होगा, और अगर कोई बंदा ज्योग्राफी का है तो उसका ज्योग्राफी का होगा। अलग अलग पैटर्न होता है, वो हम बात अलग करेंगे। अभी हम यहाँ बात करें कि नेट एग्जाम के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों नेट एग्जाम हर साल दो बार होता है, यहाँ पर कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। यहाँ पर आपके बीच में डाउट आएगा तो सर CSIR क्या होता है। देखिए दोस्तों नेट एग्जाम एक अलग होता है, CSIR अलग होता है, जो साइंस वालों के लिए होता है उसका अलग पैटर्न होता है, नेट एग्जाम का बिल्कुल अलग पैटर्न होता है, दोनों का पैटर्न अलग अलग है। नेट एग्जाम में दोस्तों माइनस मार्किंग नहीं होती, CSIR में माइनस मार्किंग होती है, वो एक अलग टॉपिक है। तो यहाँ पर हम मेरे आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन आता होगा कि हमें नेट एग्जाम क्यों करना है। तो दोस्तों नेट एग्जाम आपको इसलिए करना है क्योंकि आपको पीएचडी तक जाना है। वो कहते हैं कि एक पूरा साइकिल है। अगर आपको दोस्तों ऊपर वाले फ्लोर पे जाना तो आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा। तो अगर आपको पीएचडी करना है तो आपको नेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, अगर आपको बेस्ट पीएचडी करना है, ठीक है। तो ये पहला डाउट आपका क्लियर होता है। दूसरा डाउट है हाउ टू क्रैक नेट एग्जाम, कि नेट एग्जाम हम क्लियर कैसे करें। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, नेट एग्जाम क्लियर क्रैक करना बहुत आसान है, इतना कोई नहीं है। पर दोस्तों मार्केटिंग वालों ने इतना कर दिया है कि नेट एग्जाम करना हार्ड है, नहीं होता। दोस्तों हर साल करीब 70 से 80 हज़ार स्टूडेंट हर 6 महीने में नेट क्रैक करते हैं, बहुत आसान है। दो पेपर होते हैं, और वहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि माइनस मार्किंग नहीं होती यार। माइनस मार्किंग नहीं होती तो चांस आपके होते हैं, और फिल्डर फॉर्म में फर्स्ट पेपर की फ्री ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, वहाँ से आप नेट इजीली क्रैक कर पाओगे। तो चलो भाई नेट भी क्रैक हो गया, अब आगे क्या। तो तीसरा स्टेप है दोस्तों हमारा कि अब नेट हो गया, अब हम क्या करें, व्हाट अबाउट नेक्स्ट नेट एग्जाम, अब हमें क्या करना है। तो दोस्तों आपको ये करना है, जब आपका नेट क्लियर हो जाए, जब आपको देखना है कि व्हाट आई वांट, तो दोस्तों यहाँ पर आपका दो ऑप्शन होते हैं। क्या वापस JRF के लिए करें, क्योंकि दोस्तों आपका नेट फर्स्ट टाइम में नेट ही क्लियर होगा, JRF भी क्लियर हो सकता है, बट अगर आप ज़्यादा हार्डवर्क करोगे तो आपका JRF भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने दो पॉइंट आएंगे, क्या मैं वापस JRF के लिए करूँ, या मैं PhD के लिए अप्लाई करूँ, या मैं नौकरी करूँ। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी आपको JRF के लिए फॉर्म अप्लाई करना है, और इधर PhD के लिए अप्लाई करना है, और नौकरी पे अप्लाई करना है। अब दोस्तों मैं नौकरी की बात करता हूँ, नेट एग्जाम के बाद क्या ऑप्शन है आपके पास। दोस्तों नेट एग्जाम के बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, हम वापस आएंगे अब JRF पे। दोस्तों JRF होता क्या है, दोस्तों JRF एक स्कॉलरशिप है जो मिलती है PhD वालों को। अगर आपको PhD करनी है तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है 35,000 पर मंथ। अगर आपका नेट क्लियर नहीं, JRF क्लियर होगा, तभी आपको 35,000 रुपये दोस्तों यहाँ पर मिलेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और ये अमाउंट आपको 3 साल तक कंटिन्यू मिलता है। और ये अमाउंट कब मिलेगा, ये अमाउंट जब मिलेगा दोस्तों, जब आप किसी भी PhD कॉलेज में अप्लाई करोगे। यह अमाउंट आपको जब मिलेगा, जब आप किसी भी PhD कॉलेज में अप्लाई करोगे, और अप्लाई के बाद आपको ये अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों हाउ टू क्रैक JRF, यार पता तो चल गया कि अमाउंट मिलेगा, बट अब JRF कैसे क्रैक करें, नेट तो हमने क्रैक कर लिया। तो दोस्तों JRF क्रैक करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, बेसिक क्लियर करो आप अपने बेसिक। अगर आप क्लियर होंगे तो आप JRF क्रैक कर जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, लास्ट के पेपर सोल्व कीजिए, और सेकंड पेपर को अपना फोकस कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको मॉक टेस्ट करना है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अब इसके बाद क्या, नेट भी हो गया, JRF हो गया, दोस्तों अब आता है नौकरी यार। जब इतनी मेहनत की है तो नौकरी तो चाहिए हमको। तो दोस्तों हाउ टू अप्लाई नौकरी, मतलब जॉब। तो दोस्तों अगर आपका नेट JRF होता है तो आपको नौकरी मिलती है, जॉब मिलती है कॉलेज में,
जहाँ पर आपको दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना पड़ता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और यहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है दोस्तों, यहाँ पर आपके एक अलग से इंटरव्यू होता है, एग्जाम भी हो सकती है अगर अच्छा कॉलेज है, और वहाँ पर आपके जो कोर पेपर है, जो सेकंड पेपर था, जैसे अगर मैं कंप्यूटर साइंस का हूँ तो मैं कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करूँगा, ऐसा आपको अलग अलग के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वॉट इज PhD भाई साहब, कि PhD है क्या। बिल्कुल राइट जवाब है, बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि यार अब क्या करें, PhD करना है, कहाँ से करें, क्यों करें, क्या बेनिफिट होगा, कितना अमाउंट होगा, ये सारे काफ़ी क्वेश्चन आपके माइंड में आते होंगे दोस्तों, अभी से आ रहे होंगे। जिन्होंने नेट क्रैक नहीं किया ना, उनके माइंड में भी अभी ये क्वेश्चन आते हैं, तो इनका आंसर मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पर। देखिए दोस्तों, पहले आपके माइंड में आता है कि PhD है क्या। दोस्तों हमारे इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की PhD सबसे हायर एजुकेशन में मानी जाती है। अगर आपका PhD होता है तो दोस्तों आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, एग्जाम्पल डॉक्टर दिस सिंह, ठीक है। तो ऐसा आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। मैं भी अभी PhD कर रहा हूँ, तो मेरा PhD जब खत्म होगा मेरा नाम के भी आगे डॉक्टर लग जाएगा। दूसरा दोस्तों आपके पास क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर अप्लाई करें यार। तो दोस्तों अप्लाई से पहले आपको ये होना चाहिए कि आपको PhD किस सब्जेक्ट में करनी है और किस कॉलेज में करनी है। दोस्तों देखिए, आपका PhD होगा जिसमें आपने मास्टर किया है, मान के चलिए मैंने अगर कंप्यूटर साइंस में किया है तो मेरा जो PhD होगा वो कंप्यूटर साइंस के अंदर होगा। अप्लाई कहाँ से करें, तो दोस्तों जो आपका बेस्ट कॉलेज है, मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों प्राइवेट से PhD मत करना, अगर पॉसिबल हो तो सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी की आपसे PhD करनी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको PhD के लिए अप्लाई करना है, और सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि मेरे को किस कॉलेज में PhD करनी है। अगर आपका ये डाउट क्लियर हो जाता है तो दोस्तों बहुत आसानी से आप अप्लाई करोगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम करते हैं क्लियर, क्या फ़ायदा है PhD का, कितना टाइम लगेगा PhD में, कितनी फीस है PhD की। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ायदा क्या है। दोस्तों अगर आपका PhD होता है तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, और आप किसी भी बड़ी कंपनी या किसी बड़े कॉलेज में HOD के लिए या एक अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपको यार नाम में काफ़ी अगर डॉक्टर लग गया तो बहुत कुछ चीज़ आपको मिल जाती है। फीस कितनी लगती है, तो दोस्तों हर कॉलेज की अलग अलग फीस होती है। अगर दोस्तों आपका कॉलेज, अगर आपका PhD 3 साल में होता है तो कम फीस लगेगी, 4 साल में होता है तो कम लगती है। मिनिमम दोस्तों आपका PhD 3 साल में हो जाएगा, और मैक्सिमम 7 या 8 साल में भी होता है, अकॉर्डिंग योर टॉपिक, क्या मैं टॉपिक क्या लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, हाउ टू कम्प्लीट PhD फास्टली। दोस्तों सबके माइंड में ये आता है कि PhD कैसे जल्दी करें, तो दोस्तों PhD जल्दी करने का ये कि जो भी आप टॉपिक सिलेक्ट करते हो वो आपका बेस्ट टॉपिक होना चाहिए। बेस्ट का मतलब ये है कि दोस्तों वो टॉपिक आपको बिल्कुल बेस्ट आना चाहिए, और उसका बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए जब भी आपका PhD होगा। और दोस्तों दूसरी थिंग ये भी आती है कि आपका बेस्ट कॉलेज होना चाहिए। अगर अच्छा कॉलेज है तो आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और आप इजीली PhD के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों मेरी राय यही है कि बेस्ट कॉलेज हो तो आप इजीली PhD के लिए करोगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने देखा कि नेट से लेकर पूरी PhD की जर्नी आप फिलर फॉर्म के साथ कर सकते हो। फिलर फॉर्म आपको बीच में नहीं छोड़ेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आपको फिलर फॉर्म के साथ पूरा PhD कंप्लीट करना है तो आप फिलर फॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में आप हमारे एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, या कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।